अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। शहर कायद की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको बदलने के लिए सिंध हुकूमत कोशिशें करती नज़र आती है और उन इकदामात पे पहली नज़र जो डाली जाएगी वो KDA इदारे तरक्यात कराची की जानिब से, जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के जिम्मेदार भी हैं और मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो चेक एंड बैलेंस इसी डिपार्टमेंट की जानिब से किया जाता है। और शहर भर की शाहराहों की बात की जाए तो शहर भर की शाहराहें इस वक्त मुख्तलिफ मुकामात पर नोट किया गया है कि खस्ता हाली का शिकार हैं, उनकी मरम्मत होगी, उनकी मरम्मत के लिए फंड जारी किए जाएंगे, तमाम चीज़ें। और पहला स्टेप KDA की जानिब से जो उठाया जा रहा है उसी पर बात करेंगे। सेक्रेटरी KDA इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है हमारे साथ, शम्स सिद्दीकी साहब। शम्स साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा कि KDA की जानिब से शाहराहों को तामीर करना शुरू कर दिया गया, क्या प्लान है? मानसून का स्पेल आया, बारिशें खूब बरसी हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, बदहाली का शिकार हैं, कितनी शाहराहें ऐसी हैं जो KDA इस वक्त तामीर करने जा रही है दोबारा? तकरीबन 10 से 12 शाहराहें हैं जिनको हम तामीर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, और मैं जो सैलाब मुतासरीन है उनके साथ मेरी दिली हमदर्दी है, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इनके लिए अपनी आसानी पैदा कर। जिस तरह तुमने कुरान पाक में कहा है कि इंसान के लिए मैं आसानी पैदा करता हूँ, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके इनके लिए आसानी पैदा कर, इनकी तकलीफें खत्म कर और इनके लिए राहत पैदा कर। आपके सवाल जवाब पर आता हूँ, सवाल पर आता हूँ कि हम तकरीबन 15 से 20 शायरा ऐसी इनिशियल स्टेज पर जिनको हमने कारपेटिंग शुरू की है और दिन रात हम काम कर रहे हैं और कारपेटिंग करेंगे और हम उसको इंश्योर करेंगे कि बारिश ऐसी अच्छी तरह हम उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं कि बारिश के बाद भी अगर बारिश आती है तो उसको नुकसान न पहुंचे, जितना मुमकिन है हम उसको सेफ बना रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी शाहराहें ऐसी हैं शम साहब जिनकी मरम्मत हो रही है जो 12 शाहराहों में शामिल है? शाहराह पाकिस्तान है, फीडल बी एरिया की शाहराह गुलिस्तान जोर की है, यूनिवर्सिटी रोड पे जो स्कीम 36 है, कोरंगी है, आपके नॉर्थ कराची है, सुरजैनी है, नॉर्थ नजावाद है और नागन चोरंगी का जो भी हमारी स्कीमों की शाहराह है वो और मेन रोड है, इनको हम पाए तकमील। अब हमने लियाकतबाद 10 नंबर से लेकर 16 बोर्ड तक हमने एक तरफ चला दिया, अब दूसरी तरफ हमारे मिशन ट्रैक पर हैदराबाद जाना है रोड पर अब उनको काम कर रहे हैं। ये यू टर्न हमने लिया है, इसको करके फिर हम इसी तरह दूसरी शाहराहों पर आएंगे और एक शाहराह पर 3 जगह से हम काम शुरू कर रहे हैं ताकि टाइम कम स्पेंड हो और हमारा काम जल्दी हो। अच्छा, पूरी पूरी शाहराहों की अगर बात की जाए कितने किलोमीटर का हिस्सा कवर किया जाएगा, कारपेटिंग की जाएगी, दोबारा से जो है वो मरम्मत की जाएगी या फिर मुकम्मल तौर पर दोबारा जो है वो रोड डाला जाएगा, सड़क बनाई जाएगी? अब जहां पेचवर्क है कोशिश ये है कि जहां पेचवर्क के 80% शाहराह सही है और 20% पेचवर्क के हम उसको पेचवर्क करेंगे, अगर 50% से कम शाहराह तब आए तो उसको नया बनाएंगे, ओवरऑल करेंगे पूरा और पुराना मटेरियल निकाल कर नया मटेरियल डालेंगे, उसको हम ओवर रेपिंग नहीं करेंगे, इंश्योर करेंगे कि ये जितना पूरा जो मटेरियल बारिश में खराब हो गया उसको हम ऊपर से स्क्रैप करें और फिर नई लेयर डालें उस पर। ठीक है, अच्छा सवाल ये भी है कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके साथ इस काम के अंदर मुंसलिक हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सिवरेज का भी कहीं ना कहीं मसला होता है, कि इलेक्ट्रिक की जो तारें होती हैं उनका भी मसला होता है, ये तमाम चीज़ें डिपार्टमेंट्स को क्या ऑन बोर्ड लिया गया है या फिर ये शाहराह इसकी मरम्मत कर दी जाएगी, तामीर कर दी जाएगी, फिर हम देखेंगे खुदाई का शिकार हो जाए, खोद दिया जाए उसको सड़क को किसी और डिपार्टमेंट की जानिब से? पहली मरतबा साईं नासिरुद्दीन साहब मिनिस्टर्स लोकल गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड सब डिपार्टमेंट को लिया और कहा है कि पहला आप अपना अंडरग्राउंड जितना भी काम है वो पूरा कर ले, उसमें सारी सेवरेज लाइन है, वाटर कनेक्शन है, जहां KEC है, जहां गैस है, वो अपनी लाइन मेंटेन करके हमें हैंडओवर करेंगे और NOC देंगे कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, अब आने वाले दिन में अगर कोई फॉल्ट हुआ तो और बात है, अदरवाइज उसको लाइन नहीं डालेंगे और कोई खुदाई नहीं करेंगे, कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो हम अपना काम शुरू करेंगे और ऑन बोर्ड है मिनिस्टर साहब खुद सेक्रेटरी लोकल। अच्छा, ये तो मेन शाहराहों की बात की जा रही है और दीगर जो छोटी सड़कें हैं उनको भी इस वक्त मरम्मत की जरूरत है, डिपार्टमेंटल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कौन सी शाहराह किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, सड़कें भी इसी तरह हैं, तो क्या KDA इस इन शाहराहों के बाद कुछ छोटी सड़कों को भी मरम्मत करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम बड़ी शाहराहें गवर्नमेंट ऑफिसर ने हमें दी है और अब जो छोटी शाहराहें जो हमारी स्कीम में आती है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अलॉटीज हैं, हमने उनको प्लाट दिए,
हमने उनको केयर टेक करना है और हमने उनकी प्रॉब्लम दूर करनी है, हमने वो शायरा भी बनानी है। ठीक है, इस बार तक पहली मरतबा हमने 6-7 ठेकेदारों को रखा है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम अपने इंजीनियरों से और क्वालिफाइड इंजीनियरों से हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं पहले हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, देन उसको कह रहे हैं कि आप यूटिलाइज करो, ऐसे ना अपनी मर्जी से चूना नहीं लगाएं। अच्छा, हम ये भी देखते हैं शाहराओं के इर्द गिर्द जो है वो बरसाती नाले बनाए गए थे, लेकिन फिर भी शाहराएं जेरे आबाती नजर आई शहर भर की। जब ज्यादा बारिशें हुई हैं तो ज्यादा पानी आया है ऑब्वियसली, और वो पानी खड़ा भी हुआ है। सवाल ये है कि अभी महकमे मौसमियात ने कहा है कि सितंबर के आगाज के अंदर बारिशों की पेशगोई है, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? बिल्कुल, हमारे पास जितने पानी के नाले हैं हमने इसको दोबारा मशीनें लगाना शुरू कर दी है। ठीक है, गुलिस्तान जोर का है वो यूनिट से शुरू होता है, जाकर ओल्ड एरिया में पहलवान गोड के बाद खत्म होता है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर का नाला है। उस नाले में सिल्ट इतनी भरी हुई है कि 4 फुट सिल्ट है और पानी ऑटोमेटिक ऊपर आता है, रोड पर आकर गिरता है, रोड को डैमेज करता है। अब हम उसको पूरा दोबारा उसको सफाई कर रहे हैं और बना सक रहे हैं, तो हम उसको बनाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगी तो हम उसको रीबिल्ड करेंगे और हम उसको जीरो लेवल पर ले आएंगे ताकि पानी तकरीबन 3-4 फुट हमारा नाला पानी ले सके। 5 फुट से ज्यादा पानी आएगा तो फिर ऊपर रोड पर आएगा, 5 फुट पानी आएगा तो वो आराम से ड्रेन कर लेगा, प्रॉपर वे में वो नाला चलेगा। हमने इसको मेंटेन करना है और उसको काम कर रहे हैं। अच्छा, कितना वक्त दरकार है इस काम को और 12 शहरों की मरम्मत को? हमें तकरीबन 1-1.5 महीने चाहिए फुटवार बेस पर। हम कोशिश करें, जनरेटर हमने अरेंज किए, रात की रोशनी में जब लोग ट्रैफिक कम होगी ट्रैफिक को ड्राइवर्ट करेंगे, हम उसकी मरम्मत करेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी जानना चाहूंगा कि कितना बजट रखा गया, फंड्स कितने दिए गए इस काम के लिए? हमें बजट का ये समझ लें कि प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो गवर्नमेंट ऑप्शन देती है तो जब ऑर्डर मिल जाता है इसमें पैसे हमारे पास एडवांस में आ जाते हैं, हमने उस पर काम करना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पैसों का मसला नहीं है, हमें मिल जाते हैं। अच्छा शमशाद, आप कराची इदारे तरक्यात के सेक्रेटरी हैं, सवाल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शाहराहें बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कों का जाल बिछाया जाता है, फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद खस्ताहाली का शिकार हो जाती हैं, जगह जगह गड़े पड़ जाते हैं, फिर उसकी कारपेटिंग की जाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जरा सी भी बारिश होती है तो उसके बाद वो सड़कें फूलकर और फिर वो गड्ढे नुमा शक्ल जो है वो आ जाती है निकल के। अब ये इस बार क्या किस तरह से यकीन दहानी कराएंगे कि इन शाहराओं की मरम्मत की जा रही है तो ये देर पा चलेंगी? इंशाल्लाह, हमने पहले रोड़ी डालेंगे, उसमें पत्थर डालेंगे, पत्थर रोलर चलाएंगे, रोलर के बाद फिर हम कारपेटिंग करेंगे। इससे पहले गाड़ा डालता था, गाड़े का कंसेप्ट जो हमारे कराची में फेल गया है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती, क्यों मट्टी होती है, मट्टी में पानी आता है तो मट्टी खुद बह जाती है, पत्थर आ जाते हैं, तो हम गाड़ा इस मरतबा पहली मरतबा हम गाड़ा नहीं डाल रहे, हम डाल रहे हैं सिर्फ रोड़ी पत्थर। ठीक है, उसको कंपैक्ट करेंगे, रोलर चलाकर कंपैक्ट करेंगे, कंपैक्ट करने के बाद फिर हम मसाला डालेंगे, जो कारपेटिंग का मसाला है वो डालेंगे, तारकोल डालेंगे, उसके साथ जो छोटी रोड़ी होती है वो डालकर फिर रोलर चलाएंगे। आई होप कि वो हमारा। अच्छा, ये जो तरीकेकार बताया क्या इसकी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, कितनी ड्यूरेबल है ये स्ट्रैटेजी? अगर इस प्रॉब्लम ये है कि इस रोड पर अगर हम शहरी रोड पर टेंट लगाकर खड्डा नहीं खोदें या उसको कीले न लगाएं, और टेंट अगर कोई शादी होती है गमी होती है हम बड़ी आसानी से रोड पर टेंट लगाकर शुरू हो जाते हैं, बकरी जाती है रोड पर टेंट, खड्डा तो हम बना देते हैं, खड्डा बनाने का मकसद है हमने पानी को खुद रसाई दिए, इजाजत दी कि पानी, इन चीजों का तो परमिट होता है ना, परमिट के बगैर कैसे सड़क खोद कर या गड्ढे खोद दिए जाते हैं? परमिट के लिए हमने मुतलका थानों को भी बार बार अप्रोच किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी है कि भाई बगैर परमिशन नहीं करें आप, लेकिन आपको पता है कि फिर नहीं, बगैर परमिशन तो आगे होता ही नहीं है ना, इदारों की जानिब से परमिशन मिलती है, इदारों की जानिब से नहीं लेते लोग, नहीं लेते, प्रॉब्लम यही है। अच्छा, अगर दूसरे इदारों से एनओसी ले लिए कि यहाँ पर कोई किसी किस्म की खुदाई नहीं होगी अगर एक बार सड़क की मरम्मत कर दी गई है? अब मैंने पहली मर्तबा आपने फेडरल बिल में रोड को दे, मैंने सारे घर को नोटिस भेजा है। अच्छा, अगर ये खुदाई की गई तो हम आपके खिलाफ FIR लॉन्च करेंगे। अच्छा, इससे ज्यादा और क्या करूं? नहीं, आपने अपने जिम्मेदारी पूरी की, अब देखना यह है कि ये जो सड़कों की मरम्मत की जा रही है KDA की जानिब से, बड़ा अच्छा स्टेप है, अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ड्यूरेबल है कि नहीं है ये बड़ा क्वेश्चन है। नहीं होगा, आप फिक्र नहीं करें, वो हमने कुछ सीनियर ऑफिसर जो है जो काम जिन्होंने आज की शहर फैसल बनाई थी वो कुछ हमारे पास
लोग मौजूद है, रिटायर्ड मौजूद है, उनकी हमने खदमत ली है, खदमात ली है कि सर आप हमारे आए। क्योंकि शम साहब आपके इदारे का नाम ही ये कराची इदारा तरक्कियात, कराची की जो तरक्की का इदारा है वो आप लोग हैं और आप उसके सेक्रेटरी हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है? बिल्कुल मुझ पर आयद होती है और मैं जिम्मेदार हूँ और कोशिश करूंगा कि कोई आदमी मेरे डिपार्टमेंट की तरफ उंगली ना उठाए। चले चले, इट्स गुड टू हैव यू, थैंक यू सो मच। शम सिद्दीकी सेक्रेटरी KDA हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत और मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। कराची शहर की जो खस्ता हाली है और सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं, मिनटों का सफर जो आप घंटों के अंदर तय करते हैं, तो अब ऐसा लगता है कि शाहराहें मरम्मत के बाद कुछ बेहतर हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, ये वक्त बताएगा और KDA की जो कारकर्दगी है वो बताएगी कि किस तरह से मरम्मत की जा रही है। और दूसरे डिपार्टमेंट्स अब अगर एक पेज पर है, जैसे कहा गया कि NOC ले ली गई है और फिर खुद FIR कटवाई जाएगी अगर कोई और इदारा इसमें इंटरफेयर करता है। अभी वक्त दिया गया है कि आपको कोई काम करना है तो आप उन शाहराहों पर कर सकते हैं, खुदाई से रिलेटेड और अगर आपने कोई अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम करना है। बहरहाल अब देखते हैं कि कितना वक्त दरकार है। 1 माह का है, 1 माह के बाद फिर प्रोग्राम करेंगे सेक्रेटरी KDA के साथ और इन शाहराहों की मरम्मत के हवाले भी बात करेंगे, वक्फा लेंगे। इसके बाद सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदादी काम है उसके हवाले से कराची शहर, शहर कायद इस वक्त मरकज बनता चला जा रहा है, कैसे वो आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।